फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं भूलभुलैया से। हमने हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जैसे कृष्णा। कैम छो, कैसे हो आप लोग? आज का व्लॉग शुरू करते हैं और आज हम लोग आ चुके हैं फ्लावर गार्डन। फ्लावर गार्डन यानी सूरत का एक सबसे बड़ा गार्डन आप बोल सकते हो, वो फ्लावर गार्डन है। ये अभी ओपन हुआ है, ये इसका ओपनिंग कई फेब्रुवरी में हुआ था और अभी यानी 3-4 महीने हुए है। और ये इतना यहाँ पे फ्लावर के साथ ग्रीनरी है ना कि आप बात जाने दो। और उसके साथ ये डिंडोली एरिया में आया है। मैं इसका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और वीडियो में भी बता दूंगा। तो अभी मैं यहाँ का सबसे पहले आपको व्यू दिखा देता हूँ। और हाँ, यहाँ की टिकट है 20 रुपीज और पार्किंग चार्जेस है 10 रुपीज। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं।
सारे स्पेसिस के अलग डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स है, यानी ये जो नाम दिया गया फ्लावर गार्डन वो सही है। यहाँ पे इतने ज़्यादा स्पेसिस में फ्लावर आपको अलग अलग टाइप के दिखेंगे ना, पिंक फ्लावर, वाइट फ्लावर और ऐसे बहुत सारे टाइप के फ्लावर्स हैं। उसके बाद फ्लावर से विंड मिले और ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी बनाई है जो फ्लावर से डेकोरेट करके इन्होंने बनाई है। और यहाँ पे पॉन्ड है, उसके बाद फूड कोर्ट है, यानी बहुत सारी यहाँ पे आपको, आप यहाँ पे आ गए तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला। लेकिन अभी भी तो ये बहुत ही बड़ा है, अभी हमने जितना फाइंड किया है ये अभी हाफ है, इससे भी आगे और भी है, तो मैं आगे आपको पूरा वीडियो यहाँ का दिखाऊंगा। भूल भुलैया भी है जो पूरी ग्रास के अंदर बनाई गई है, इन लोगों ने पूरा ऐसा आजू बाजू ग्रास है उसके अंदर भूल भुलैया है, यानी अब देखना होगा हम कितनी देर में इसे पार कर पाते हैं। अभी टाइम हो रहा है 5:15, देखते कितने बजे तक हम ये पार कर पाते हैं। सीधे सीधे जाते हैं, देखते हैं पूरा आजू बाजू ऐसे ग्रास है, उसके बीच में से है, देखते हैं इस उस जो बोटनिकल वाला गार्डन था ना उस ब्लॉग में हमने डायरेक्ट ही निकल गए थे, इस बार भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। ये देखो ऐसे ऐसे निकल जाने का, बहुत घूमने का नहीं, सीधा व्यू व्यू करके मैं आपको दिखा था कैसा यहाँ का व्यू है। हम अभी कहाँ से निकले थे वो भी ये है ना, हम अभी यहाँ से इधर आ गए, अब ऐसे पूरा पटपट चले जाएं, लेकिन आपको दिखाता हूँ यहाँ का वीडियो। यहाँ पे एंड हो रहा है, आगे नहीं, यानी इस बाजू चाहते हैं, चले देखते हैं ये कहाँ पे जाएगा। नहीं नहीं यहाँ पे मैंने ट्राई की हमारी ओर से पूरी कि हम निकल जाए, लेकिन अभी तक हम थोड़ा भी आगे नहीं गए, वहीं पे ही घूम रहे हैं। इसलिए अब मुझे लगता है कि हमें हमारा ब्रह्मास्त्र यूज़ करना पड़ेगा जो हमने बोटनिकल गार्डन में यूज़ किया था, यू क्योंकि ये हमसे होने नहीं वाला, बिना वजह टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अभी भी और भी बहुत छूट का, इसलिए देखो ऐसे चले जाने का, ऐसे ऐसे निकल जाने का, यहाँ से भी ऐसे निकल जाते हैं। लेकिन इसमें आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कांटे बहुत है, जो है अभी ऐसे बीच में से जो गैप्स है ना वहाँ पे कांटे, यानी आपको निकलते वक्त ध्यान रखिएगा। यहाँ से देखें यहाँ पे और एक ऐसा है, पूरा इन्होंने हमारे लिए ही बनाया है लगता है कि ऐसे आप निकल जाओ। देखो ऐसे यू आए और यू घुस गए। फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं भूल भुलैया से, हमने वहाँ से एंट्री ली थी और घूम के यहाँ से बाहर आए, हमने तीन मिनट में ही ख़त्म कर दिया, 2 से 3 मिनट में, क्योंकि हम यू आ गए थे इसकी वजह से हम इतना जल्दी ख़त्म हो पाया। उसके बाद भूल भुलैया के बाद यहाँ पे पॉन्ड भी है, लेकिन पानी थोड़ा कम है यहाँ पे जो ये है उसमें, कोई बात नहीं पानी आएगा आएगा। अब आगे का मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ आगे, जो यहाँ पे बहुत ही मस्त गार्डन है पूरा फ्लावर, अगर आप नेचर लवर हो ना तो ये आपके लिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे इतना ग्रीनरी है कि आप बात ही जाने दो। तो यहाँ पे हमें हमारे सब्सक्राइबर भी मिल चुके हैं, आपका क्या नाम है? प्रकाश जाधव। प्रकाश जाधव भाई, अगर आप एक थीम देखो ना तो यहाँ पे ज्यादातर थीम सूरत टेक्सटाइल मार्केट, जैसे सूरत टेक्सटाइल, सूरत डायमंड, लाइट हाउस, जो हमारे डुमस के पास आपको पता हो कि एक लंगर है,
वो यहाँ पर, यानी ऐसा बहुत सारी पूरा सूरत के ऊपर जो सूरत में जो स्पेशलिटी है ना सूरत की, उससे मिलकर यहाँ पे एक फ्लावर से वो चीज़ बनाई है। जैसे कि हमने आपको दिखा डायमंड, तो सूरत के डायमंड, सूरत टेक्सटाइल, तो उससे नाम के साथ वहाँ पे सारी जगह ऐसे प्लेट में लिखा भी है नेम और उसके साथ वो चीज़ है। यानी ऐसे पूरा आपको यहाँ पे कुछ नया जानने को भी मिलेगा। अब फूड कोर्ट की बारी, हमने बहुत सारा वीडियो ले लिया, थोड़ा फूड खाने का भी देख लेते हैं। फाइनली हमने यहाँ पे फूड भी ले लिया। फूड कोर्ट पे बहुत सारा अलग मंचूरियन, सूप, वड़ा पाव, समोसा और बहुत सारे अलग अलग टाइप की वैरायटी में आपको यहाँ पे फूड भी मिल जाएगा। तो कोई बात नहीं, उसके साथ हमारा आज का वीडियो भी एंड होता है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल एक न्यू ब्लॉग में फिर से मिलते हैं, तब तक बाय बाय, अलविदा।